नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के अमर नगर में कार वॉशिंग सेंटर के मालिक पर कुछ लोगों ने किया हमला, मालिक गंभीर रूप से घायल। लहरागागा के रेलवे स्टेशन के पास खड़ी होंडा सिटी कार को लगी भीषण आग, कार जलकर हुई राख। एडवोकेट हर्ष झांची की ओर से बालाजी की चौकी का किया गया आयोजन, दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक सीतेश विचने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के अमर नगर में स्थित कार वॉशिंग सेंटर के मालिक पर कुछ लोगों द्वारा हमला कर दिया गया, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। तो वही घटना के दौरान वहां पर इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए घायल हुए कार वॉशिंग सेंटर के मालिक मनदीप दोसांझ ने थाना 8 में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है। उन्होंने बताया कि वॉशिंग सेंटर के बाहर एक गाड़ी पार्क कर दी गई थी, जिस वजह से आवाजाही में काफी दिक्कत आ रही थी। इस दौरान वहां पर कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट भी हुआ था, इसी कारण उन्होंने उक्त लोगों को कार साइड पर करने के लिए कहा, तो उक्त युवकों ने कार साइड करने की बजाय उसके साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी और उसे जान से मारने की धमकियां भी दी। वहीं मनदीप ने बताया कि उस पर जो हमला हुआ है वह हमला रंजिशन किया गया है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। लहरागागा के रेलवे स्टेशन के पास खड़ी होंडा सिटी कार को भीषण आग लग गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए लहरागागा के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले मंजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास अपनी गाड़ी खड़ी की हुई थी। जब वह कहीं जाने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई थी। उसने लोगों की मदद से आग को बुझाया। आग लगने का कारण एम्पलीफायर की स्पार्किंग बताया जा रहा है, जिस कारण कुछ ही मिनटों में गाड़ी जलकर राख हो गई। तो वहीं उसने बताया कि सिर्फ इंजन ही बच गया है, बाकी सारी गाड़ी जलकर राख हो गई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। मेरा नाम मंजीत सिंह। मंजीत सिंह केड़ा वार्ड है थोड़ा? मेरा वार्ड नंबर 7। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਖੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਅੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਜਨ ਉਂਜਨ ਬੱਚੇ? ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਸਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੰਜਨ ਬਚ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੰਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਜੋਲੀ ਸੂਦਿੰਗ ਈਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਝਾਂਜੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਭਵਯ ਚੌਂਕੀ ਨਿਊ ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ਜਲੰਧਰ ਮੇਂ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਵਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਬਾਲਾਜੀ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਲਾਜੀ ਕੇ ਮਹਾਮੰਤਰ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਲਾਜੀ ਕੇ ਭਜਨੋਂ ਸੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਬਾਲਾਜੀ ਕੇ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਝੂਮਨੇ ਪਰ ਵਿਵਸ਼ ਕੀਆ। ਇਸ ਬਾਲਾਜੀ ਕੀ ਚੌਂਕੀ ਮੇਂ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਤੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਵ CPS KD ਭੰਡਾਰੀ ਔਰ ਸਾਈ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਹੇਮੰਤ ਸਰੀਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਕਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਆ। आए हुए बालाजी के भक्तों को एडवोकेट हर्ष झांची और विनीश ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके बाद प्रसाद के रूप में भंडारा भी लगाया गया। जालंधर से कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सुनो मेरे भगवान, कीर्तन ब्रह्म करता हूँ, सुनो मेरे भगवान, जलंधर शहर में विराजियों
मैं करूं तेरा ध्यान आइए इस धरती से भी आज्ञा ले इस आसमान से भी आज्ञा ले उठाइए दोनों दोनों हाथ मंदिर बंदर खाटों का पर हवा तो अंदर जा सकती है जो बजाए ताड़ी हे बालाजी महाराज ताड़ी सुनो जरा आवाज कम है ताड़ी के पूरा जोर लगा के डरना नहीं है कि ठंडा या क्या है उठा लो दोनों हाथ एकदम लंबे लंबे हाथ उठाकर हाजिरी लगाओ बालाजी महाराज के चरणों के अंदर और खाटू नरेश के चरणों के अंदर उठा के लंबे लंबे हाथ आवो जी आवो आवो जी आवो 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 जी 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 आवो 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 जी आवो आवो जी आवो 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 जी आवो आवो जी आवो आवो डोर खोल दो भैया डोर बड़ा जोर उठा के दोनों हाथ जो बालाजी महाराज को मानता है अरे एक कटो अरे एक देवी संस्कृते शु नमन सा देवी रूपेण संस्कृता अचिंत भूमि रूपेण संस्कृता मां वैष्णो देवी रूपेण संस्कृता मां शीतला देवी रूपेण संस्कृता नैना देवी रूपेण संस्कृता मां ज्वाला देवी रूपेण संस्कृता मां कुल देवी रूपेण संस्कृता मां सरस देवी रूपेण संस्कृता मां कालका देवी रूपेण संस्कृता गत वर्ष अक्टूबर माह में कपूरथला नकोदर रोड पर गांव तलवंडी महिमा के नजदीक ओवरटेक को लेकर दो कार चालकों में मामूली झगड़े ने जानलेवा हमले का रूप धारण कर लिया था जिस कारण दो पुलिस कर्मचारियों सहित तीन व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गए थे वहीं इस मामले में पुलिस पार्टी सहित नौ जवानों की झड़प में बुरी तरह से घायल हुए सीआईए स्टाफ में तैनात हवलदार परमिंदर सिंह जो कि कोमा में चला गया उसकी मौत हो गई जिसके बाद मृतक कांस्टेबल परमिंदर सिंह के गांव में शोक की लहर दौड़ गई अब मृतक कांस्टेबल परमिंदर सिंह का अंतिम संस्कार 24 जनवरी को उनके जद्दी गांव में किया जाएगा तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों पर कातिलाना हमला और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया था जिनमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहीं अब इस मामले में कत्ल के मामले के चलते जुर्म की धाराओं में और बढ़ोतरी की जाएगी मुख्यमंत्री हरियाणा के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित कुमार अग्रवाल का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में इस बार भी उनकी झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनेगी उन्होंने कहा कि गीता हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरोहर है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए हरियाणा सरकार गीता के ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रही है
कर्तव्य पथ पर चलने का भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, वैसा ही कर्तव्य पथ हरियाणा की झांकी में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर उनकी झांकी का चयन हुआ है। श्री कृष्ण का विराट रूप इसका मुख्य आकर्षण होगा। उन्होंने कहा कि आज के युग में गीता का संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक है। पंजाब नेशनल बैंक अमृतसर की व्यापारिक समीक्षा बैठक का आयोजन जालंधर के एक निजी होटल में किया गया, जिसकी प्रधानगी जोनल प्रबंधक प्रवीण गोयल द्वारा की गई। इस बैठक में 7 सर्कलों के DGM और AGM ने शिरकत की। इस दौरान जोनल प्रबंधक प्रवीण गोयल ने बताया कि पंजाब नेशनल बैंक पब्लिक सेक्टर का सबसे पुराना बैंक है। इसमें ग्राहकों की जरूरतों को मुख्य रूप में देखना बैंक की मौलिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि बैंक की सेवाओं को और बेहतर बनाना, ग्राहकों में यकीन पैदा करना और बैंक की कमियों को हल करने के लिए यह समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस मौके पर बढ़िया प्रदर्शन करने वाली ब्रांचों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अमृतसर मंडल प्रमुख तरुण वधवा, जालंधर मंडल प्रमुख भूषण शर्मा, कपूरथला मंडल प्रमुख जोन मोहम्मद, होशियारपुर मंडल प्रमुख राजेश प्रसाद, जम्मू मंडल प्रमुख राकेश शर्मा, पठानकोट उपमंडल प्रमुख प्रदीप कौर, अमृतसर मंडल प्रमुख हरिओम के अलावा अलग अलग ब्रांचों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। मैं प्रवीण गोयल, ZM PNB अमृतसर। आज की जो मीटिंग का मकसद है, हमारा बिजनेस रिव्यू मीटिंग, इसमें सभी सर्कल हेड्स, MCC हेड्स, रैम हेड, CAC हेड, सर्कल शास्त्रा हेड्स, जोनल शास्त्रा हेड्स, ZRMC हेड और मेरे जोनल ऑफिस का स्टाफ सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। इसका मकसद है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और बैंक की पॉलिसीज हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, समाज को बैंक की तरफ से मैक्सिमम जो फाइनेंशियल हेल्प जिन लोगों को ज़रूरत है वो प्रोवाइड करना, लोग जो पॉवर्टी लाइन में हैं या जिनको ज़रूरत है, अंडर प्रिविलेज पीपल, उन लोगों को हेल्प करके उनका लिविंग स्टैंडर्ड अप करना, आज की मीटिंग का मेन मकसद ये है। और हमने सभी अपने जितने भी यहाँ पे बिजनेस रिव्यू मीटिंग में प्रेजेंट हैं स्टाफ मेंबर, उनको यही एडवाइस किया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, क्योंकि वी आर द पब्लिक सेक्टर बैंक और हम सबसे ओल्डेस्ट बैंक, स्वदेशी बैंक होने के नाते हमारी एक ड्यूटी बनती है, एक फर्ज है कि हम अपने देशवासियों की सेवा करें और उनका जो रहन सहन है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसको इम्प्रूव करें। और क्योंकि हमारी ऑनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसको पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ये हमारी ड्यूटी है। अमृतसर में युवा परिवार सेवा समिति YPSS के युवाओं ने पंजाब बचाओ अभियान के तहत अश्लीलता, गैंगस्टरवाद और नशे को बढ़ावा देने वाले गानों के खिलाफ एक रैली निकाली। तो वहीं कंपनी बाग से शुरू हुई इस रैली में हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने जहां पूरे शहर में भड़काऊ एवं अश्लील गायकी के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया, वहीं उन्होंने पर्चे बांटकर और जगह जगह संबोधन कर लोगों को जागरूक भी किया। इस अवसर पर रैली का नेतृत्व करते हुए राजवीर सिंह ने कहा कि उनके अभियान का मकसद ऐसे हिंसक, भड़काऊ, अश्लील व नशे को बढ़ावा देने वाले गानों पर नकेल कसना है, जिनके कारण पंजाब नशा, अश्लीलता, गैंगस्टरवाद, गुंडागर्दी एवं अराजकता की ओर धकेला जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब में गैंगस्टरों द्वारा हत्याओं की घटनाओं से ना केवल देश बल्कि विदेशों में भी पंजाब की छवि खराब हो रही है। रंगदारी के मामले इस हद तक बढ़ रहे हैं कि पंजाब का व्यवसायी पंजाब छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग रहा है। उन्होंने कहा कि गुरुओं और पीरों की इस भूमि पर एक आम व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा है। इन सभी समस्याओं पर गौर करें तो पंजाबी गायकों द्वारा लंबे समय से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रचारित किया जा रहा गन कल्चर ही इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। युवा परिवार सेवा समिति वालों, मैं कुलविंदर सिंह, जनरल सकत्तर पंजाब, अज तुहाडे मोहरे संबोधन कर रहा हाँ इस रैली नूं लैके। पंजाब बचाओ रैली लच्चर और भड़काऊ गीतां तों पंजाब बचाउण दी मुहिम हैगी है।
ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਧਨਗਨ ਮਾਡਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹਾਂ? ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਗਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਾਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੈੱਗਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਪੈੱਗ ਅਤੇ ਦਾਰੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪਏਗੀ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬੋਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਤਾਂ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਗਾਣਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਤਾਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਅਨਔਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੜਕਾਊ ਤੋਂ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਗਾਣੇ ਆ, ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਣਾਵੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਹੇਠ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੜਾਉਂਦਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਨ ਯੋਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। DC ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਯੁਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਰ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ? ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤਹਿ 'ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗਾਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੜਕਾਊ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ DJ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇ
कि इदां दी शब्दावली तुसीं उन्हां गाणियां दे विच यूज़ ही नहीं कर सकते जिहदे नाल बहुत ज़्यादा अश्लीलता प्रमोट हुंदी आ जां जिहदे नाल नशा प्रमोट हुंदा। सीधा ही गाणियां दे विच अपने नागणी सीधा ही गाणियां दे विच शराब की गल की जाती है। अगर ये सेंसर बोर्ड बन जाता तो सारिया समस्यावां का हल हो जाता। नहीं बिल्कुल जी, सरकार के कन्नां तक भी जाएगी। और जिहड़ी मेन गल है, सब तो पहला जिहड़ी साडी आवाम जिहड़ा साडा यूथ जिहड़ी अज दे साडी आवाम है वह अगर जागृत हो जाएगी तो ये कोई भी बड़ा काम नहीं है। अगर देश नूं आज़ादी मिल सकती है जिस समय साडे घलाटियां ने यह काम शुरू किया तो उदों उन्हां नूं भी नहीं लगता होना कि यह एडा सौखा कितना काम हो जूगा। लेकिन अज असीं आजाद देश दे विच बैठे हैं तो जे वह काम हो सकता तो यह भी कोई बड़ा गल नहीं। साडा मकसद असीं आवाम नूं जगा सकीए, घर घर तक साडे एक एक मतलब बंदे तक ये गल पहुँचनी चाहिए है कि ये बहुत वड्डी समस्या हैगी है। नशियां तो भी वड्डी समस्या है अज दे गाने। साडी अज दी रैली जिहड़ी कंपनी बाग जिहड़ा हैगा अमृतसर दे विच इत्थों स्टार्ट हो के और असी शहर दे मेन मेन जगह तो घूमते हुए सारे वापस इत्थे ही साडी अज दी रैली की समाप्ति होएगी। कचहरी चौक वाल जाना है, होर भी जिहड़े मेन मेन चौक है, रलौनस रोड है, सारे इदां घूमते हुए इत्थे ही वापसी खत्म होएगी। एएसपी डेरा बस्सी डॉक्टर आहलूवालिया के दिशा निर्देशों पर मुबारकपुर पुलिस द्वारा पुलिस चौकी में खूनदान कैंप लगाया गया जिसमें इलाका विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने बतौर मुख्य अतिथि और एएसपी डेरा बस्सी डॉक्टर दर्पण आहलूवालिया ने विशेष रूप से शिरकत की। इस कैंप में पुलिस कर्मचारियों सहित लगभग 150 व्यक्तियों ने खूनदान किया। इस दौरान पीजीआई से आई डॉक्टरों की टीम ने रक्त एकत्रित किया तो वहीं मुबारकपुर पुलिस चौकी इंचार्ज कुलवंत सिंह और उनकी टीम ने आए हुए मेहमानों का सम्मान किया। इस मौके पर विधायक कुलजीत सिंह रंधावा ने पुलिस द्वारा किए गए इस सामाजिक कार्य की खूब प्रशंसा की। ये साढ़े नवे मैडम आए ने डॉक्टर दर्पण आहलूवालिया एएसपी डेरा बस्सी जी, उन्होंने दिशा निर्देशों अनुसार असी यह जिहड़ा अज बड़ा मैसल कैंप लाया त्रिवेदी अपना मुबारकपुर चौकी विखे लगाया गया है जिदे विच सानू 110 यूनिट जिहड़े हैगे ब्लड दे हो चुके ने। अजे 30-40 यूनिट साढ़े होर जिन्हें भी साढ़े ब्लड डोनेशन वाले है असी उन्होंने वधिया रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं तो उन्हों का धन्यवाद भी कर रहे हैं। असं तो ये ब्लड डोनेशन कैंप के नाल साडा आम लोगों के नाल वधिया भाईचारक साझ बनती हैगी है तो मेल मिलाप बनता है। ये जिहड़ा साडा मैडम का उपराला सी बहुत वड्डा अच्छा उपराला है, अफसर के सहयोग ना इस तरह चलता रहना चाहिए जी। ये पहले भी लगाया जी, पहली बार लगे जी? नहीं ये पहले बार ही लाया जी, जे अफसर साहबान का हुक्म होगा तो अगे नूं इस चीज़ दी कंटिन्यू। श्री सतगुरु राम सिंह का पावन प्रकाश पर्व हाजरा हजूर श्री सतगुरु उदय सिंह की पावन हजूरी में नामधारी संगत जालंधर की तरफ से मनाया गया। श्री देवी तालाब मंदिर के श्री राम हाल में नामधारी विद्यक जत्था और नामधारी स्त्री विद्यक जत्था जालंधर के सहयोग से करवाए गए इस धार्मिक आयोजन में संगत ने कथा कीर्तन नाम सिमरन कर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समागम में श्री भैनी साहिब नामधारी संस्था के वर्तमान प्रमुख सतगुरु उदय सिंह ने विशेष रूप से शामिल होकर उपस्थित संगत को आशीर्वाद दिया। इस दौरान रागी जत्थों ने कथा और कीर्तन से संगत को निहाल किया। इस अवसर पर विधायक प्रगट सिंह, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, बीजेपी देहात प्रधान अमरजीत सिंह अमरी, उद्योगपति पूर्णिमा बेरी ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर सूबा जोगिंदर सिंह, जतेंद्र पाल सिंह, नारायण सिंह, राम सिंह, स्वर्ण सिंह, हरजीत सिंह, बसंत सिंह नामधारी सुरेंद्र सिंह छिंदा भी शामिल रहे, जिसके बाद गुरु का लंगर संगत के बीच अटूट वितरित किया गया। जालंधर से कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Thank you.
शिरोमणि पंथ अकाली बुढ़ा दल और श्री अकाल तख्त साहिब के तत्कालीन पूर्व जत्थेदार रहे सिंह साहिब जत्थेदार अकाली बाबा फूला सिंह जी के दूसरे शहीदी शताब्दी समागम को समर्पित तख्त श्री दमदमा साहिब में बुढ़ा दल की ओर से गुरमति समागम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह विशेष रूप से शामिल हुए। इस दौरान सर्वप्रथम पिछले 3 दिनों से रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसके बाद पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस मौके पर असंख्य संगत भी मौजूद रही। श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो विखे जिथे श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त का हैडक्वार्टर है गुरद्वारा बेर साहिब, ते ये प्रोग्राम जिहड़े ने 200 साल शहीदी शताब्दी नूं समर्पित, जिहड़े बुढ़ा दल दे छेवें मुखी सी अकाली बाबा फूला सिंह जी शहीद ते श्री अकाल तख्त साहिब दे वी जथेदार सी ओह सिंह साहिब सी, ते उहनां दे जिहड़े 200 साल शहीदी समागम जिहड़े बहुत ही श्रद्धा भावना दे नाल श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग दे नाल सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां वल्लों समुचे ही खालसा पंथ वल्लों समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां वल्लों बहुत ही श्रद्धा भावना दे नाल मनाए गए ने। मैं सारियां ही गुरु नानक नाम लेवा संगतां दा जिहड़े इत्थे पहुंचे ने सारियां निहंग सिंह जथेबंदियां दे मुखी साहिबानां दा उहनां वल्लों उहनां दे नुमाइंदे पहुंचे बाबा निहाल सिंह जी दल पंथ बाबा विधि चंद जी जथेदार बाबा अवतार सिंह जी ते बाबा बलविंदर सिंह जी तरना दल मेहता चौंक उत्थे ही सारियां जिहड़े प्रेस वाले ने वीर सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा ते नाल ही बेनती करदा आपां इह जिहड़े प्रोग्राम ने 12, 13, 14 मार्च 2023 नूं सारे बुरज अकाली फूला सिंह जी श्री अमृतसर साहब श्री अकाल तख्त साहिब जी दे सन्मुख ते मंजी साहिब दीवान हाल विखे जिहड़े मनाए जाने ने ते नाल ही आपां जिथे इह प्रोग्राम मना रहे आपां बहुत वड्डे 200 साल शहीदी शताब्दी अकाली बाबा फूला सिंह जी शहीद जी दी ते उत्थे ही 300 साल जिहड़ा उहनां दा जिहड़ा जन्म दिहाड़ा बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी जिहड़े हमेशा ही बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया जिहड़े बुढ़ा दल दे चौथे मुखी सी श्री अकाल तख्त साहिब दे वी जथेदार सी 71 दे नाल इहनां ने जदों दिल्ली भी फतेह कीती ते उदों भी बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया नाल सी, हुण भी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवां तख्त ते सारियां ही निहंग सिंह जथेबंदियां बाबा जस्सा सिंह जी रामगढ़िया जी दा जिहड़ा 300 साल उहनां दा जन्म दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा भावना दे नाल जिथे 6 ते 7 जिहड़ा मई नूं करनाल विखे वी बहुत वड्डे पद्धर ते मनाया जा रिहा उत्थे सारे प्रोग्राम दा वेरवा जिहड़ा दित्ता जावेगा ते आपां सारे रल मिल के प्रोग्राम जिहड़े करने ने। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन करवाया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान निर्मल सिंह और नवजोत कौर ने पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली और सुशील आचार्य की ओर से विधि विधान के साथ हवन यज्ञ संपूर्ण करवाया गया। वहीं आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भक्ति के गीत सुनाकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस मौके पर महामंत्री हर्ष लखनपाल और प्रधान रंजीत आर्य की ओर से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आर्य समाज मंदिर में हर रविवार की तरह विशेष यज्ञ का आयोजन और माघ मास के लिए विशेष हवनिया का जो सभी मिलकर आज मुख्य यजमान परिवार यहाँ उपस्थित होकर के प्रधान नगर सिंह जी ने बहुत हमारे सभी भी मोतीनगर के निवासी हैं। ये जो यज्ञ को सभी ने माना कि यज्ञ सर्वश्रेष्ठ कार्य है, आप किसी को खिलाओगे बेजात जी को खाएगा नहीं, यज्ञ देवता है वो जो भी डालो आपको किस प्रकार हो वातावरण शुद्ध करता है, आपको हर प्रकार की अंदर आपके अंदर कोई यहाँ के जवानों का नाश करता है और हमारे अंदर जो एक ऐसी भावना ऊपर होती है कि यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म क्यों कहा गया, यज्ञ के बारे में
बड़े बड़े शोधकर्म विज्ञानियों के ने सिद्ध कर दिया, यह जिससे बहुत ही लाभ है सामाजिक उन्नति के लिए करना चाहिए। पुराने काल में यज्ञ राजा महाराजा जो करते थे, ऋषि दयानंद जी ने ये यज्ञ को हम जैसे सभी लोगों के लिए जो हम राजा महाराजा नहीं है, एक सामाजिक सोशल एलिमेंट्स हैं, हम सभी के लिए यज्ञ की पद्धति तैयार की। उसी यज्ञ की पद्धति को लेकर आज हम इस यज्ञ को सम्मान देते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। नहीं तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं जिनके भाग्य में यज्ञ करना होता है। जो विशेषकर यज्ञ बनते हैं, जो यजमान बनते हैं, ये परमपिता परमात्मा का कोई आशीर्वाद ही होता है। नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको समय ही नहीं मिलता, जिनको पता ही नहीं करना क्या है, करना नहीं क्या है। कल पिछले सप्ताह मेरी मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य में शनिवारी अमावस्या के अवसर पर शनि कृपा मूर्ति मंडल सेंट्रल टाउन जालंधर में यीशु जी महाराज की अध्यक्षता में प्रातः हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया और रात्रि भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन मंडलियों ने शनि देव जी के भजनों का गुणगान कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जालंधर के अमर नगर में कार वॉशिंग सेंटर के मालिक पर कुछ लोगों ने किया हमला, मालिक गंभीर रूप से घायल। लहरागागा के रेलवे स्टेशन के पास खड़ी होंडा सिटी कार को लगी भीषण आग, कार जलकर हुई राख। एडवोकेट हर्ष झांची की ओर से बालाजी की चौकी का किया गया आयोजन, दैनिक सवेरा के संयुक्त संपादक सीतेश विचने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।